कांग्रेस के विधायकों पर जनता क्यों भरोसा करे, क्यों वोट दे आपको? आप अगर वोट मांगने जाइएगा तो आप पे ट्रस्ट क्यों करें? क्यों नहीं करना चाहिए? क्या हमारा काम नहीं देखा जाएगा? ये जो पैसे लेकर जेल में बंद हो जाना, ये काम देखा जाएगा? वो कांग्रेस के विधायक हैं, ये आप नहीं कह सकते कि कांग्रेस के विधायक नहीं? बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि वो कांग्रेस के विधायक नहीं है, लेकिन जब तक जांच में कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, मेरी आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि तब तक आप लोग किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचिए। जांच में निष्कर्ष निकलेगा, जो एजेंसियां जांच करेंगी, जो निष्कर्ष निकलेगा सही होगा, सही पाए जाएंगे, गलत होगा गलत पाए जाएंगे, गलत पाए जाएंगे तो जेल जाएंगे, उसमें आप और मैं निष्कर्ष निकालने वाले कौन होंगे? लेकिन ये तो सच्चाई है ना मैडम कि 48 लाख रुपया कैश जो है उनके गाड़ी से बरामद हुआ? बिल्कुल सच्चाई है। CID वहाँ जाँच करी, एविडेंस के तौर पर CCTV फुटेज मिले हैं, उनके गाड़ी में लोग पैसे रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये माना है कि वो BJP के एक CM से जाकर मिले हैं, तब इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखिए, उन्होंने क्या माना है और क्या नहीं माना है ये जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बोला जाएगा, पहले कुछ भी नहीं बोला जा सकता। आप और मैं यहाँ बैठ के कुछ सुनी सुनाई बातों पे मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते हैं। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, यू के नॉट प्रूव समवन गिल्टी अंटिल दे आर प्रूवन गिल्टी। यस, ठीक है, यू आर राइट, बट व्हाट अबाउट एविडेंस? एविडेंस कोर्ट में जाएगा ना, एविडेंस के लिए आप और मैं नहीं है, एविडेंस कोर्ट में प्रूव होगा कि वो एविडेंस सही है या गलत है। अच्छा, तो मैम आपको लगता है कि अभी भी आप ये मान के चल रही हैं कि ये तीनों जो हैं वो बेदाग हैं? मैं बेदाग नहीं कह रही, लेकिन गिल्टी भी नहीं है जब तक प्रूव नहीं होता तब तक। तो ये तो जनता के बीच में भ्रम हो गया ना कि कांग्रेस बिक सकती है, कांग्रेस के विधायक बिक सकते हैं। मैं थोड़ा कड़ा पूछूंगा लेकिन सवाल तो जायज है, ये तो पूछ सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक बिक सकते हैं, ये तो हो गया ना? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में आपकी कमलनाथ की सरकार चली गई क्योंकि कांग्रेस के विधायक बिक गए, आपकी चुनी हुई सरकार मैंडेट दिया। एक मिनट, आपने BJP से पूछा कि क्या उन्होंने खरीदा? भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछूंगा मैं तो पूछता हूँ। आप पूछिए उनसे कि क्या उन्होंने खरीदा, वो इसका जवाब देंगे तो मैं जरूर आपको जवाब दूंगी। वो ये कह रहे हैं बिकने को लोग तैयार हैं तो खरीदेंगे हम। और यहाँ पर उन्होंने किसका किसका नाम लिया कि कौन कौन बिका है, नाम तो लेने दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। जनता क्यों भरोसा करे, कांग्रेस के विधायकों पर जनता क्यों भरोसा करे? 75 साल में अगर इस देश को इस मुकाम पर लाकर कोई खड़ा करने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है। आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे इस देश के नए भारत के निर्माण की बात हो, नहर डैम, कई कई ऐसे एजुकेशनल संस्थान, फैक्ट्री, कुछ भी आप सब दिया कांग्रेस ने, क्योंकि 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ही देगा, BJP तो दे नहीं सकता। नहीं, 70 साल तक कांग्रेस रही नहीं है, जनता ने बार बार उस पर अपना विश्वास जताया। हम कोई ज़बरदस्ती आज जिस तानाशाही से लोग सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं उस तरीके से कांग्रेस नहीं रही है। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, बात आप पूरी अगर नहीं करने देंगे तो आपसे मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बोलिए बोलिए। 70 साल तक कांग्रेस को बार बार जनता ने चुना है और तब कांग्रेस ने सेवा की। हम लोगों से कुछ गलती हुई, उसकी सजा कांग्रेस को मिली है। हम सत्ता से बाहर भी आज विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष की भी जो भूमिका होती है उसको हम लोग तरीके से निभा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस 70 साल से है और आने वाले भी 70 साल में जो है आपको कांग्रेस ही दिखेगी। देखिए, आप लोग में कांग्रेस को अपना भविष्य देखना चाहिए, हम इसको मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये सवाल भी, मेरा सवाल अब सुन लीजिए। आपकी सरकार चुनी गई, आपको राजस्थान में प्रचंड बहुमत मिला, आपकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी, इसका यह मतलब है कि कांग्रेस अभी भी लोगों के दिल में है? लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, मेरे सवाल खत्म होने देने, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने विधायकों की वजह से सरकार गंवा दी, एक बहुमत की सरकार जो है कमलनाथ जी की सरकार चली गई, तो कैसे विश्वास करें? झारखंड में आपके 3 MLA पैसे के साथ पकड़ाए, जनता ये नहीं सोचे कि हमने वोट दिया ये तो बिक जा रहे हैं? आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, जनता अगर वोट दे करके प्रतिनिधि को भेज रही है तो प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। हम लोग का भविष्य ही नहीं, हमारा जो भूतकाल है वो भी कांग्रेस का है। कांग्रेस ने हम पे विश्वास करके हमें लीडरशिप अपने ग्रूम करने का मौका दिया तो आज हम लोग विधायक बन करके। लेकिन सवाल सिर्फ कांग्रेस से नहीं किया जाए, भाजपा के लोग जो हर एन केन प्रकार किसी भी स्तर तक शाम नाम और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो उतना याद नहीं अभी हमको, लेकिन वो करके सरकार में आना चाहती है। आप कांग्रेस की बात करें, अभी उन लोगों ने शिवसेना के साथ क्या किया? वो बोल रहे हैं कि जो बिकेगा सबको खरीदेंगे, हमारे पास पैसा है पूरा भरा हुआ है, जब बिकने को तैयार हम खरीद लेंगे। तो मेहरबानी करके भाजपा से सवाल करिए, अगर आपको सही में मीडिया में जरा भी ताकत है तो इस काम को जो इस देश में दो लोग कर रहे हैं, मोदी और शाह, उनसे सवाल कीजिए कि इस देश में आखिर सरकारें चुनी क्यों नहीं जा रही है, चुनी भी गई तो खरीदी क्यों जा रही है।